हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे सी कृष्ण। कैम छो, कैसे हो आप लोग? आज का व्लॉग शुरू करते हैं और अभी हम लोग आ चुका है शेखपुर वेलंजा में, और यहाँ पे सपना जी डॉग ब्रीडर है और वो यहाँ पे सिज्जू नाम की ब्रीड के डॉग रखते हैं, और वो सिज्जू यानी लिटिल लायन भी आप बोल सकते हो। तो सपना जी से हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे सिज्जू ब्रीड के डॉग के बारे में, और इसे आप कैसे रख सकते हो, आप इसे ऑनलाइन भी आपके वहाँ मंगवा सकते हो, इसका पूरा आज हम जानेंगे, और इसको कितना कॉस्ट रहता है और इसके लिए आप कैसे मंगवा सकते हो, पूरा आज की वीडियो में हम कवर करने की ट्राई करेंगे। अभी हमारे साथ सपना जी है, तो हम सपना जी से बात करते हैं। तो सपना जी, आप हमें सिज्जू डॉग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। सिज्जू ब्रीड के डॉग के बारे में आप कितने साल से ये कर रहे हैं, आप कितने साल से डॉग ब्रीडिंग का काम कर रही हो, और इस डॉग के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए। यस, बिल्कुल। मैं पिछले 12 साल से सिज्जू ब्रीड में काम कर रही हूँ, एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। पहले तो मेरे पास अदर दूसरे भी ब्रीड थी, जैसे गोल्डन रेट्रीवर अभी भी है, जर्मन शेफर्ड, बीगल एंड ऑल, बहुत सारे ब्रीड थे मेरे पास, पग भी थे मेरे पास। बट एट अ टाइम मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक ही ब्रीड में फोकस करना है, और जो मेरी सबसे फेवरेट ब्रीड है गोल्डन रेट्रीवर एंड सिज्जू। बट अब मैं बड़ी ब्रीड गोल्डन रेट्रीवर में भी ब्रीड नहीं कर रही हूँ, अब मैं ओनली एंड ओनली फॉर सिज्जू, या सिज्जू में ब्रीड कर रही हूँ। हिस्ट्री देखिए, ये एक्चुअली चाइनीज ब्रीड है, इसे हम बोल सकते हैं। ये दो ब्रीड का मिक्स है। अगर हम इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री में देखने जाएं तो थोड़ा आपको गूगल भी करना पड़ेगा, बट मुझे जहाँ तक इसकी जानकारी है कि ये दो ब्रीड में से बनाई हुई एक ब्रीड है। एंड दूसरा क्या है कि एक समय ऐसा था कि जब इंडिया में सिर्फ कुछ डॉग रह गए थे, लाइक गूगल कहता है 14 या 15 डॉग रह गए थे, उसके बाद इसके ऊपर ध्यान दिया गया और उसके बाद उसकी ब्रीड की गई। 14 आप समझ लीजिए कि सिर्फ 7 मेल और 7 फीमेल रह गए थे, ठीक है, एक समय में, एक बीसी में। तो उसके बाद इस ब्रीड पे ध्यान दिया गया। उसके बाद आज के टाइम में अब तो ये गिनना मुश्किल है कि ये ब्रीड कितनी है, ठीक है। एंड आप सिज्जू के अंदर जितना देखो उतना कम है। आज के समय में हमारे इंडिया के अंदर एक से एक सिज्जू के ब्रीडर हैं, एंड अभी के समय में भी इंडिया में बहुत जगह से सिज्जू ब्रीड आती है, जैसे थाईलैंड से आती है, रसिया से आती है, बहुत बाहर बाहर से यहाँ पे सिज्जू इम्पोर्ट किए जाते हैं। एंड बहुत ही, मतलब आप अगर प्राइस की ले लो तो आप समझ लो कि मिनिमम, अगर बाहर से रसिया से कोई डॉग आ रहा है तो मिनिमम 3-3.5 लाख रुपए तो प्राइस है। सब ये मैं सबसे कम प्राइस बता रही हूँ, ये प्राइस आगे जाके 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, जितना आप जाओ उतने ज़्यादा हो सकते हैं ये, राइट। तो हमारे पास जो सिज्जू डॉग है, सिज्जू डॉग, तो उसकी क्या प्राइस रहेगी, और अगर कोई अगर लेता है हमारे व्यूअर्स yes. तो उनको कितना कॉस्ट पड़ेगा, अगर 1 मंथ के उसके हम देखें तो उस पर कितना खर्चा। यस, मैं सिज्जू ब्रीड के बारे में मेरे पास बताऊंगी कि मैं जिस तरह के ब्लड लाइन रखती हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह की ब्रीड रख रहे हो। अब देखिए, ये जैसे मेरा ब्रीडर मेल है, इसका नाम चार्मी है, एंड आप अभी देख रहे हो मैंने इसके बहुत हेयर कट कर दिए। मैं मतलब मेरे पास टोटल 25-27 डॉग हैं सिज्जू में। तो अभी जस्ट मैं क्या करती हूँ कि इनकी हेयर नहीं रखती, क्योंकि एक ये आता है कि अगर हम जिसके हेयर रखते हैं ना, उसको हमें बहुत मेंटेन करना पड़ता है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इनको मेंटेन करूं, इसलिए मैं हेयर कट कर देती हूं। बहुत सारे क्लाइंट मुझे कहते हैं कि आपके जो डॉग है उसके हेयर नहीं है, तो ऐसा नहीं है, मैं उनको इनकी पुरानी वीडियो भी दिखा सकती हूं कि मैंने कितने इसके हेयर रखे थे। बट हाँ, मेरे से ग्रूमिंग एट अ टाइम नहीं होती इनकी, पर डे अगर मैं रखूँ तो इनको बहुत ग्रूमिंग की ज़रूरत पड़ती है, और इनको मैं अगर पूरे हेयर के साथ रखूँ तो मैं इनको दूसरे डॉग के साथ नहीं रख सकती, या तो मुझे इसे अकेले रखना पड़ेगा या फिर मुझे इसे केज में रखना पड़ेगा, और मैं मेरे डॉग को केज में कभी नहीं रखती। मेरे जितने डॉग हैं सब फ्रीडम घूमते हैं, खेलते हैं, इतने फ्रेंडली, ना ही बाइट करते हैं, ऐसा सिज्जू ब्रीड तो बाइट करती ही नहीं है, ठीक है, बहुत ही फ्रेंडली होती है। तो मैं सबको फ्री खुला छोड़ती हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम होती है कि अगर लॉन्ग हेयर रहते तो उनकी ग्रूमिंग करने में, तो मैं हेयर कट कर देती हूँ। अब कोई है जो परचेज जो करते हैं बच्चे, वो अगर एक डॉग रख रहे हैं या दो डॉग रख रहे हैं तो उनकी बहुत अच्छी वो ग्रूमिंग कर सकते हैं अगर वो लॉन्ग हेयर में रखते हैं तो, क्योंकि सिज्जू जो है वो लॉन्ग हेयर की ब्रीड है, और अगर इनके हेयर बहुत बड़े होते हैं तो ये बहुत ही क्यूट दिखते हैं। ऐसे ये
फादर है एंड ये सन है. यस, ये इसी का बच्चा है. इयर्स को होगा ये अब भी समझ लीजिए 2.5 साल का हो चुका है. ये तो ये 2.5 साल का है. यस, कॉम्पैक्ट साइज में. ये आज 16 है ना, तो ये 16 दिन का है. 16 दिन का है भैया. और ये ज्यादातर ह्यूमन फैमिलियर होते हैं, मैंने सुना है. यस, बहुत ही फैमिलियर. आप देखो अभी इतने टाइम से ये बैठा है, आप आज फर्स्ट टाइम आए हो. हाँ. एंड आपके साथ भी देखो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको भौकेगा बाइट करेगा, बिल्कुल नहीं. अभी मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी है कि चुपचाप बैठने के लिए, तो ये चुपचाप बैठेगा. यानी हम भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और जैसे कि कई जैसे होते आप जाते हो तो आपको डर लगता है, यहाँ पे आपको वैसा डर नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही फैमिली. ये सिज्जू ब्रीड ही ऐसी है, बहुत ही फ्रेंडली. और सबसे अच्छी बात है कि जैसा कि मैं हमेशा बोलती रही हूँ कि सिज्जू ब्रीड एक ऐसी है कि आप इसके लिए सोचते हो कि कोई किसी का छोटा घर हो, 1 BHK का घर हो, तो वो उसमें भी हम सिज्जू ब्रीड रख सकते हैं. किसी का बंगलो हो तो उसमें भी सिज्जू ब्रीड रख सकते हैं. ये मतलब हर एटमोसफेयर में, हर माहौल में, हर स्पेस में, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी स्पेस में सेट होने वाली ब्रीड है. सेकेंड एक चीज़ है कि समझो कि आपने एक सिज्जू ब्रीड परचेज की है, ठीक है, एंड आपको कहीं बाहर जाना है, तो आपको ये नहीं सोचना होता है कि हम उसको कहाँ रखें. ये इतनी छोटी सी ब्रीड है कि आप इसको अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हो. आप इसको अपने साथ कार में लेके जा सकते हो, आप इसको अपने साथ एक्टिवा में लेके जा सकते हो. इतनी छोटी सी है, मतलब ये रहती है कि आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो इजीली. इसी की जगह अगर बड़ी ब्रीड हो, लैब्राडोर हो, जर्मन शेफर्ड, जो बड़ी ब्रीड होती है, तो उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है कि हम उसको कहाँ रख के जाएं, कैसे रखें, फिर उसके लिए रहने के लिए भी बड़ी जगह चाहिए, घूमने के लिए बड़ी जगह चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं. तो और इसके अगर कोई लेता है परचेज, तो उसकी प्राइस क्या रहेगी? देखिए मेरे पास जो है, जैसे कि अलग अलग प्राइस में होते हैं. जैसे कि ये वाली जो मैंने आपको बच्चे दिखाए थे, ये जो बच्चे हैं ये मेरे 25,000 के हैं. ये सब की सब फीमेल है. इसके जो फादर है वो बाहर से इम्पोर्ट किया हुआ था, रसिया इम्पोर्ट का, रसिया इम्पोर्ट के डॉग का जो सन है उसके बच्चे हैं ये, ठीक है. एंड अब इधर इसकी प्राइस फीमेल की 25. यस. एंड अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास 2 मेल हैं, ठीक है. okay. यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी, देखिए कितने क्यूट है, कितने फ्रेंडली है, देख सकते हैं आप, ठीक है. और तो यस ये मैं दिखाऊंगी. ये जो ब्रीड है ये उन ब्रीड से, या मेरे पास जितने भी ब्रीड है उससे अलग है. ये कॉम्पैक्ट साइज के बच्चे हैं, ठीक है. तो कॉम्पैक्ट साइज में मतलब कि इसकी जो वेट होगी एडल्ट होने के बाद 3 या 4 किलो होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी. तो उसमें मेरे पास ये एक मेल अवेलेबल है सेल के लिए. और इस ब्रीड की सबसे मतलब इस बच्चों की सबसे अच्छी खास बात है कि ये 25 दिसंबर को हुए है, जिस दिन जीशु का जन्म था उस दिन ये बच्चे हुए हैं. और एक ये मेल है मेरे पास अवेलेबल में सेल के लिए, जो विथ पेपर, विथ KCI पेपर 30,000 के हैं. एंड एक फीमेल है, बट सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आपको मेरी फीमेल दिखाई, ये फीमेल है एंड ये मेल है जो सेल के लिए है. ये जो है ये फीमेल है जो सेल के लिए नहीं है, ये मैंने अपने खुद के लिए रखी है. एंड ये है, ये मेल है जो सेल के लिए है. ये देख सकते हैं इसकी मार्किंग फुल जैकेट में है, और हेयर इतने स्मूथ है, और एकदम कॉम्पैक्ट साइज. तो इसकी क्या प्राइस? इनकी प्राइस 30,000. यस यस, 30,000. और आपके पास कितने डॉग हैं अभी? सिज्जू में मेरे पास 25 जैसे डॉग हैं. एंड मेरे पास अभी जैसे मैंने आपको 30,000 वाले मेल की बच्चों की बात की, उसका फादर यही है. हाँ, अब आप इसकी हाइट देख सकते हो कितना छोटा है. अच्छा, अभी मेरे हाथ में जो प्यारा सा बच्चा है, जैसा मैंने बताया ये 16 दिन का है, एंड चार्मी ही इसका फादर है. तो इसकी प्राइस 25,000 मैंने रखी है, बिकॉज रीज़न है ये अपनी मदर को सिंगल पप है. जैसे कि ये बच्चे हैं, अपनी मदर को 6 बच्चे हुए थे, वो बच्चे हैं वो अपने मदर को 5 बच्चे हुए थे. मैं आगे और भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये अपनी मदर को ओनली सिंगल पप्स है. तो सिंगल पप होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि इनको पोषण बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है. इनकी हेल्थ मतलब इनके बोन्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं. अदर बच्चों के कंपैरिजन ये बहुत हेल्दी एंड बहुत स्ट्रांग होते हैं. क्योंकि अभी जैसे कि 5 बच्चे या 6 बच्चे हैं मदर के पास, तो वो बच्चे 5 या 6 बच्चे फीड कर रहे हैं और सिंगल बच्चा फीड कर रहा है, तो ऑब्वियसली फ़र्क तो आएगा ही.
इस वजह से ये सिंगल बच्चा है बहुत हेल्दी है, मतलब 16 दिन का बच्चा इतना हेल्दी होता नहीं है, ये बहुत हेल्दी है। तो अभी आप हमें थोड़ा रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएं कि अगर कोई लेता है तो कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। यस यस रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन। यस यस मैं थोड़ा KCI रजिस्टर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जैसे बोलते हैं ना कि हाँ KCI रजिस्टर्ड, बहुत सारे क्लाइंट कहते हैं KCI क्या है, तो KCI का मतलब है देखिए जी, जो मेरा कैनल है वो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड इन द सेंस कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन है, आप दे सकते हो द कैनल क्लब ऑफ इंडिया, ठीक है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे आप ओनर नेम देख सकते हो सपना शर्मा, ओके, और मेरी कैनल का नाम है स्वीट डिजेला, ठीक है। तो ये हम मुझे KCI ने सर्टिफिकेट दिया है, ये जो मैंने कैनल खोला है ये मेरा पूरा लीगल है, ठीक है। अभी KCI क्या, KCI के पेपर क्या होते, जैसे कि मैं, मेरा अगर कैनल है तो मैं कोई भी बच्चे मिक्स नहीं बेच सकती, मेरे पास जो भी सिज्जू ब्रीड होगी वो प्योर एंड प्योर 100% प्योर होगी, ठीक है। उसकी क्या कहते हैं, उसका जो सर्टिफिकेट बोलते हैं वो ये होता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ब्रीडर सपना शर्मा है, तो यहाँ पे जैसे कि जो बच्चे मैंने ऑलरेडी सोल्ड किए हैं वहाँ पे एरो नाम है, ठीक है, और ये कब की डेट ऑफ बर्थ है, ये है 9/10/2020 का ये बच्चा है, और डॉग है यानी कि मेल डॉग है, ठीक है। ब्रीड कौन सी है, सिज्जू, एंड कलर क्या है, ट्राई कलर, ओके। ये डॉग की जो बच्चा है उसकी इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम सेकेंड यहाँ पे आते हैं ब्रीडर, ब्रीडर में क्या है, सपना शर्मा जो मैंने आपको दिखाया, एंड रजिस्टर्ड गारंटेड सपना शर्मा, ठीक है। तो ये जो है ये मैं बच्चे के साथ दे रही हूँ, जिससे ये होता है कि ये जो ब्रीड है वो प्योर है, और दूसरा इसके साथ जो आती है वो माइक्रोचिप, माइक्रोचिप बहुत मस्ट है। जैसे कि अगर कोई ब्रीडर आपको सिर्फ पेपर दे दे और माइक्रोचिप ना दे, तो आप उनसे माइक्रोचिप मांगिए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इस माइक्रोचिप के अंदर होती है, ये एक तरह की माइक्रोचिप होती है, इसमें छोटी सी एक नीडल होती है जो हमारे डॉग के अंदर इंजेक्ट होता है, ठीक है। कोई कहता है कि हमने इंजेक्ट करके दिया है, तो आपको ये माइक्रोचिप जरूरी है, मैं कोई क्या कहता है मैं उस पर नहीं जाऊंगी, उसके वो उनका मैटर है, मेरा नहीं है, बट मैं किसी भी बच्चे के अंदर माइक्रोचिप इंजेक्ट करके नहीं देती। ये जो माइक्रोचिप है मैं ये डायरेक्ट जो जिन्होंने परचेज किया है मेरे पास से उनको मैं डायरेक्ट देती हूँ कि आप खुद अपने वेटनरी से अपने डॉग को आप माइक्रोचिप इंजेक्ट करवा लीजिए। अब माइक्रोचिप क्या देखना है, माइक्रोचिप में आपको नंबर देखना है, जैसे कि यहाँ पे आती है माइक्रोचिप नंबर, तो आप यहाँ देखिए लास्ट का मैं 4 डिजिट बोल रही हूँ, 5751, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए 5751, ये माइक्रोचिप नंबर होता है, ये आपको मिलाना पड़ता है कि ये, हाँ ये इसी की माइक्रोचिप है। यस यानी यहाँ पे आपको ट्रस्ट है, आप बोल सकते हो यहाँ पे आपको फुली ट्रस्टेड है, और आप यहाँ पे विजिट करके भी ये डॉग, बिल्कुल मैं कहती हूँ कि विजिट कीजिए, आप बच्चों को देखिए, बच्चों के मदर को देखिए, फादर को देखिए, उसके बाद आप लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं हमेशा कहूँगी कि आप बाहर से जो डॉग मंगवा रहे हो तो आप देखो कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। एक बच्चा जो यहाँ के वेदर में बड़ा हो रहा है, ठीक है, लोकल में बड़ा हो रहा है, और आप बाहर से मंगवा रहे हो इतने छोटे बच्चे को, तो उनकी ह्यूमिनिटी भी वीक होती है और अदर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरे बच्चे इतने हेल्दी और इतने क्या कहते हैं प्लेफुल होते हैं कि मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि मेरे यहाँ से जो बच्चा ले रहा है वो, अगर आपको मेरे यहाँ से ले जाने के बाद अब डॉक्टर विजिट कराइए, डॉक्टर कहे अगर कि ये बच्चा बीमार है, इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे ये रिटर्न लूँगी और मैं पूरे के पूरे पैसे आपको रिफंड करूँगी। इतनी गारंटी के साथ मैं अपने घर के बच्चे सेल करती हूँ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे सूरत में जाते हैं, मेरे ऑल ओवर इंडिया में मेरे डॉग जाते हैं। जस्ट अभी मैंने उस लीटर का एक मेल और मेरे इस लीटर की एक फीमेल मैंने अभी अभी नागपुर में सेल की है, एंड इस लीटर का एक मेल वो सूरत में, हमारे सूरत में ही सेल हुआ है। यानी अगर कोई यहाँ पे लोकल आके लेना चाहे, yes, yes. तो उसके लिए क्या एड्रेस रहेगा और क्या कांटेक्ट आपके साथ कैसे, अगर कोई बाहर भी रहता है, yes, 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 yes. तो वो आपका कांटेक्ट कैसे, बिल्कुल बिल्कुल मेरा कांटेक्ट है 777-9333-1133, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। एंड मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि हमारा ये जो एरिया है शेखपुर वैलेंजा, यहाँ पे थोड़ी सी हमारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो जब भी मैं घर के अंदर रहती हूँ तो मेरा कॉल हमेशा स्विच ऑफ बताएगा,
एंड आप मुझे उस वक्त व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हो, क्योंकि मैंने मेरे पूरे घर पे वाईफाई लगा रखा है, हमारे यहाँ नेटवर्क की बहुत इशू रहती है। ये अगर कुछ पुरानी वीडियो आप हमारी देखोगे तो उसमें मैंने हर वीडियो में मेंशन किया है कि हमारे यहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, अगर आपको मेरा फ़ोन नंबर स्विच ऑफ मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप कॉलिंग कीजिए। और अगर व्हाट्सएप आपको व्हाट्सएप कॉलिंग भी नहीं हो रही है और फ़ोन भी स्विच ऑफ है तो प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि हो सकता है नेट चला गया हो, लाइट गई हो, तो ये तो जाहिर सी बात है कि हाँ नेट गया हो। एंड मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाती है जब कोई न्यू क्लाइंट मुझे कॉल करते हैं, तो जैसे ही नेट की फैसिलिटी होती है या कॉल की फैसिलिटी है मैं कॉल बैक ज़रूर करती हूँ। या फिर आप अगर आपका कॉल मेरा फ़ोन नहीं लग रहा है तो आप मुझे एक छोटा सा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए रिगार्डिंग सज्जू के लिए बात करनी है, तो मैं कॉल बैक ज़रूर करूँगी। तो ये अभी जो इसका पूरा एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और यहाँ पे आके आप इनके पास से पेट्स बाई कर सकते हैं। बहुत ही जेन्यून है और बहुत ही ट्रस्टफुल है, और यहाँ पे इनका हम पार्ट टू भी बनाएंगे यहाँ का। अभी हम पार्ट टू शूट कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। ये पार्ट यहाँ पे हम अभी के लिए एंड करते हैं, पार्ट टू में हम और डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, और यहाँ पे ये जो छोटे पपीज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत जल्द इसके पार्ट टू में मिलता है, तब तक बाय बाय, अलविदा।